हाय गाइस, आज मैं एक रेसिपी ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सो आप लोग देखें कि मैं क्या रेसिपी बना रही हूँ और क्या बता रही हूँ। और गाइस, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़रूर। गाइस, मैं आपसे मिक्स वेज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और मैं दिखाती हूँ कि मैं उसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स डालती हूँ। ये है पनीर एंड शिमला मिर्च, गोभी, बीन्स, ग्रीन चिल्ली, आलू। तो गाइस, मैं अपनी सब्जियों को अच्छे से वेजिटेबल को फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, मैंने गोभी डाला है और गोभी को मैं फ्राई कर रही हूँ। एक एक करके मैं सारी सब्जियाँ फ्राई कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या डीप फ्राई कर लिया। ये आलू है, इसको मैंने डीप फ्राई कर लिया। ये पनीर को मैंने डीप फ्राई कर लिया। सारी सब्जियों को मैंने डीप फ्राई कर लिया, गोभी, शिमला मिर्च, मटर एंड बीन्स को। आप इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं, आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, आपके पास जो भी सब्जियाँ, आप सब कुछ इसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी सारी सब्जियां फ्राई हो गई हैं। अब मैं आपको वेजिटेबल के बाद इसका जो मसाला है उसका इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ओके, सो ये है एक प्याज, दो टमाटर, ग्रीन चिल्ली, 3 ग्रीन चिल्लीज हैं, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर और किचन किंग पाउडर। ये हैं इसके मसाले के इंग्रेडिएंट्स। अभी आप देखिए मैं क्या करती हूँ। इस कढ़ाई में मैंने सब्जियां फ्राई की थी, डीप फ्राई की थी, उसी कढ़ाई में मैं आगे की प्रिपरेशन करूंगी। सो फ्रेंड्स, प्याज को मैंने अपने इस चॉपर में डाल दिया और अभी मैं इसको चॉप करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंपनी का चॉपर लेना चाहते हैं तो आप ब्रॉसली कंपनी का चॉपर लें, और ये चॉपर बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है। और आपको ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस मुझे पसंद है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये चॉपर लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से चॉपिंग किया है इस चॉपर ने। और अभी मैं इसको ऑयल में डालती हूँ। सबसे पहले मैं ऑयल में ज़ीरा डालूँगी, उसके बाद प्याज डालूँगी, उसके बाद ग्रीन चिलीज डालूँगी। आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है। अभी मैं ये सारी प्याज इसमें डाल दूँगी। फ्रेंड्स, हम लोग की सारी सब्जियाँ डीप फ्राई हो गई थी, इसीलिए हम लोग इसमें ऑयल बहुत कम लेंगे, ना के बराबर, थोड़ा सा ऑयल लेके। और हम लोग इसको प्याज को थोड़ी देर, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने तक तलेंगे, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, मेरी प्याज कुक हो गई है, प्याज को अच्छे से कुक हो गई है। और फिर अभी मैं इसमें ग्रीन चिलीज डालती हूँ। मैं थोड़ा सा इसको सॉटे कर लूँगी। अभी मैं इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालती हूँ, पका लेती हूँ। जब तक आपके लहसुन अदरक के पेस्ट की स्मेल चली ना जाए, तब तक आप इसको अच्छे से सॉटे कर दें। फ्रेंड्स, अदरक लहसुन अच्छे से पक गया है, तो अभी मैं इसमें पाउडर्ड मसाले डालती हूँ। थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। आप गैस को बिल्कुल स्लो रखिएगा, क्योंकि पाउडर मसाले जल जाते हैं। गाइस, ये किचन किंग मसाला, इसको मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी। अभी मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। सो अभी मैं अपने जल्दी से टमाटो चॉप कर लेती हूँ। टमाटो अच्छे से चॉप हो गए हैं, सो मैं अभी इसमें टमाटो डालूंगी। सो गाइस, अभी मैंने टमाटो डाल दिए हैं। अभी मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी, और इसमें मैं अभी नमक डालती हूँ। सो गाइस, मैंने अभी इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें, टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। सो अभी मैं इसको अच्छे से भूनने दूंगी। ये अच्छे से भून जाए, फिर
फिर मैं मिलती हूँ। गाइस जब आप अपनी सब्जियों को डीप फ्राई करें तो फिर आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास में कोई बच्चे ना हो, क्योंकि कोई भी सब्जी कभी भी आपके बच्चे को या आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप बहुत संभल के डीप फ्राई करें। इस मसाला अच्छे से भून लिया है, अभी मैं इसमें सारी सब्जियाँ मिक्स करूँगी, देन आलू। गाइस मैंने सारी सब्जियाँ मिक्स कर दी हैं, अभी आप इसमें इसको थोड़ी देर पकने दें। गाइस प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ, अच्छे से बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ। सो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। अभी इसमें एक लास्ट इन्ग्रीडियंट्स रह गया है, वो है फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो उसके ऊपर की मलाई भी डाल सकते हैं। अभी देखिए मेरी सब्ज़ी अच्छे से कुक हो गई है। गाइस देखिए मेरी सब्ज़ी अच्छे से कुक हो गई है, अभी मैं इसमें थोड़ी क्रीम डालूंगी। इस मिरान भी जग गए हैं। मिरान हाय बोलो सबको। हाय। नो नो। हाय बोलो। हाय। गाइस मिरान अभी सो के उठे हैं 8 बजे रात के। अभी आज हमें लग रहा है कि हम लोग पूरी रात जगने वाले हैं। सो गाइस मेरी सब्ज़ी अच्छे से बन चुकी है, कुक हो गई है, अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ। गाइस ये फाइनल लुक है और मेरी सब्ज़ी बहुत यम बनी है, प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। अभी तो वैसे भी ठंडी है, तो ठंड में तो सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं, फ्रेश भी मिलती हैं, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। थैंक यू। सो गाइस इमरान खान अभी घर आ गए। इमरान मेरे फ्रेंड्स लोगों को हाय तो बोल दो। हेलो। हाय गाइस। आपको मिस कर रहे थे गाइस लोग। ओह हाउ स्वीट। ओह इमरान भी आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।